हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम लोग करने लगे हैं गोल्डन मेकअप। तो ये मैंने आईज़ को पहले ही सेट कर लिया है, तो अब हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो मेरी वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना तो बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। तो आज हम लोग करेंगे गोल्डन मेकअप। बिल्कुल जो ड्रेस होते हैं ना जिनमें हमारा गोल्डन कलर की कढ़ाई वगैरह या नग वगैरह आते हैं, और कुछ ड्रेस गोल्डन भी होते हैं, उसके हिसाब से आज हम लोग मेकअप करेंगे, जो इजीली हम हर जगह पे करके जा सकते हैं और बहुत ही प्यारा लुक होने वाला है। तो मेरी वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। गोल्डन अब ये शेड हम लगा रहे हैं गोल्डन अपनी क्रीज को डिफाइन करने के लिए। और जो फिंगर से हम ब्लेंड करते हैं ना आईज को, जो भी मेकअप होता है, आप ब्लूशन ले लें लिक्विड में या फिर कोई भी है ना लिक्विड में कंसीलर ले लें, वो फिंगर से बहुत ज़्यादा अच्छा ब्लेंड होता है। वो इसलिए क्योंकि हमारी जो फिंगर होती है इनमें हल्की सी हीट होती है हमारी बॉडी में, तो उसकी वजह से जो है ब्लेंडिंग बहुत अच्छी होती है। तो अब हम इसको अच्छे से ब्लेंड करेंगे पहले गोल्डन शेड को, और पूरी आईज पर हम इसको लगा लेंगे। और मैंने वो फाउंडेशन इसलिए स्किप किया है क्योंकि मैं हर वीडियो में आप लोगों को बताती हूँ फाउंडेशन लगाने का तरीका, इसलिए मैंने उसको स्किप कर दिया है। हमने डायरेक्ट जो है मेकअप से स्टार्ट किया है। अब हम इसको अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। आईज़ अब जो है हम अपनी क्रीज को डिफाइन करेंगे। एक डार्क ब्राउन होता है, थोड़ा सा लाइट ब्राउन होता है ना उस शेड से, ये हर पैलेट में जो है मौजूद होता है। लाइट ब्राउन शेड से जो है हम अपनी क्रीज लाइन को डिफाइन करेंगे अच्छी तरह। ये बहुत ज़रूरी होती है हर मेकअप में ना क्रीज लाइन डिफाइन करना। देखें अभी से ही कितना प्यारा सा लुक आ रहा है, बिल्कुल नेचुरल सा। और इस तरह के मेकअप जो हैं बहुत अच्छे लगते हैं, हर ड्रेस के साथ जो है चल जाते हैं ये मेकअप ना। ब्राउन शेड ले लें और सिल्वर ले लें, गोल्डन ले लें, ये हर ड्रेस के साथ जो है फिट हो जाते हैं। अब हम अपनी क्रीज को ब्लेंड करेंगे अच्छे से। जितनी हमें एप्लीकेशन करनी थी आइस पर वो हमने कर लिया। अब हम इसको अच्छी तरह ब्लेंड करेंगे और इसको जो है कॉर्नर पर भी ब्लेंड करेंगे, आउटर कॉर्नर पर। ब्लेंडिंग आपने बहुत अच्छी रखनी है ताकि हमारा मेकअप का जो लुक है वो बिल्कुल नेचुरल आए। अब इसको हम फ्लफी से ब्रश के साथ एक और बार बिल्कुल क्लीन जो ब्रश होता है उससे ब्लेंड करेंगे ताकि अच्छी सी ब्लेंडिंग हो जाए हमारी। नीचे भी हम ये हल्का सा शेड लगा लेंगे ताकि हमारी आईज़ जो है वो ओपन ओपन लगे। और इसको हम फिंगर के साथ ही ब्लेंड कर देंगे अच्छी तरह, और जो लाइनें वगैरह आईज के नीचे आती हैं वो भी हम ब्लेंड कर देंगे इसी के साथ साथ। उसके बाद जो है हम आईब्रो बोन के यहाँ पर अपना गोल्डन शेड अप्लाई करेंगे, इसकी एप्लीकेशन करेंगे अच्छे से। और अब हम अपनी आईब्रो को जो है डिफाइन करेंगे, स्पूली से पहले इसको जो है क्लीन कर लेंगे।
देन उसके बाद हम जो है लाइट ब्राउन शेड लेकर आईब्रो पैलेट में से और उसको जो है अप्लाई कर लेंगे अपनी जहाँ पर भी स्पेस होता है, खाली जगहें होती हैं, हेयर की ग्रोथ इतनी नहीं होती है, वहाँ पर इसको हम अप्लाई कर लेंगे अच्छी तरह। उसके बाद जो है हम इसको सेट कर देंगे एक ब्रश के साथ। ये छोटू सा प्यारा सा ब्रश जो है ये आईब्रो का पैलेट है, उसी में से निकला है और ये जो है बहुत अच्छे से हमारे आईब्रो को सेट कर देता है। आप कोई सा भी ब्रश यूज़ कर सकते हैं। अब हम जो है शिमर अप्लाई करेंगे, गोल्डन जो असल शेड था ना वो इसी लुक से आएगा। और अगर एक बार फिर से मैं कह देती हूँ, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से कर लें ताकि और अच्छे अच्छे मेकअप ट्यूटोरियल, हेयर ट्यूटोरियल जो है आप लोग को देखने को मिले। ये देखें कितना प्यारा लुक आ रहा है, ये बहुत अच्छी जो है आई शेड की शिमर है और इसको हम अप्लाई करेंगे। आईलिड्स पर इसको अप्लाई कर लेंगे, देन उसके बाद जो है आप देखिएगा कितना प्यारा लुक आएगा इसका। सेम शिमर हमने नीचे भी अप्लाई किए। उसके बाद इनर कॉर्नर पर जो है हम शिमर अप्लाई करेंगे गोल्डन कलर की। ये देखें आप कितना प्यारा नेचुरल सा जो है मेकअप लग रहा है और आप ये हर जगह पर करके जा सकते हैं, कोई भी ड्रेस के साथ जो है ये सेट हो जाएगा, उसका इश्यू नहीं होता है। अब हम अप्लाई करेंगे लाइनर आंखों। थोड़ा नीचे ऊपर लग जाएगा। Thank you.
आप लोग कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को कैसी लगी मेरी आईज और मेरी आईज़ का मेकअप आप लोगों को कैसा लगा, और आपको जो भी कलर के जो है मेकअप ट्यूटोरियल देखने हैं आप कमेंट्स बॉक्स में बता सकते हैं। हो गया बस नीचे थोड़ा। हाँ जी, तो ये देखें, ये है हमारा फाइनल लुक। मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दें, और आपको जो भी मेकअप देखने जिस भी चीज़ की वीडियो चाहिए आप कमेंट्स बॉक्स में बता सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अब हम वीडियो को करते हैं क्लोज। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।